क्या आपने कभी सोचा है कि सेंटा हर साल हमारे मोजे में गिफ्ट क्यों नहीं रखे जाते हैं? आओ मैं बताता हूँ। ये बात है सन 1950 की, जब मेरा ये दोस्त क्रिसमस के दिन अपने क्रिसमस ट्री पे मोजा लटका रहा था। तभी उसकी मांगे पूरी करने साक्षात सेंटा आए और दबे पांव चुपके से वो मेरे दोस्त के घर में घुसने लगे। फिर सेंटा ने उसके ख्वाहिशों की लिस्ट पढ़ी जिसमें लिखा था एक गर्लफ्रेंड और उसके लिए चॉकलेट। साला मेरी आज तक नहीं बनी, इसको कहां से लाके दूं? जिंगल बेल। फिर सेंटा ने पास ही रखे मेरे दोस्त की आईडी देखी, तब उन्हें मालूम पड़ा कि ये तो इंजीनियरिंग कर रहा है। सेंटा ने उसी वक्त सोचा कि अभी इसको इसके दर्द भरी जिंदगी से आजादी दे देता हूँ, लेकिन तभी उन्हें याद आया कि इसने चॉकलेट भी तो मांगी थी। फिर सेंटा के साथ वही हुआ जिसका मुझे डर था। सेंटा ने चॉकलेट रखने के लिए इसका मोजा उठाया, फिर गलती से उसे सूंघ लिया और सेंटा ऑन द स्पॉट दौरे पे साफ हो गए। इसीलिए हर एक बच्चा जो क्रिसमस की रात रोते रोते गुजारता है, उन सब के आंसुओं का जिम्मेदार सिर्फ ये आदमी है। बाकी अगर आप भी चाहते हैं कि सेंटा आपकी सारी विशेष पूरी करे, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके फैला दो। एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर मिनी ब्लॉग्स।